नए क्राइम पर अंकुश लगाने वाले एसएसपी के निर्देशन में पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। थाना उसराहर के ग्राम आहिबरपुरा का निवासी अभियुक्त जनसेवा केंद्र चलाता था। वह सरकारी अधिकारियों के मोहरे बनाकर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कर पत्र तैयार करता था। इसके बदले वह अपने ग्राहकों से मोटी फीस भी वसूलता था। थाना उसराहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा तो अभियुक्त के पास तहसीलदार, एसडीएम व विभिन्न अधिकारियों की फर्जी तरीके से बनाई गई मोहरे और फर्जी सरकारी दस्तावेज बरामद किए। संचालित हो रहे हैं जनसेवा केंद्र, वो जनता की सुविधाओं के लिए, जिसमें कि इनके तमाम तरह की जो ऑनलाइन फैसिलिटीज है वो उनको मिल जाती है कुछ चंद पैसों, चंद रुपए देने से। तो लेकिन उसका लोग दुरुपयोग कर रहे थे, ऐसा सूचना थाना अध्यक्ष उसराहर को मिली हुई थी। कुछ लोग फर्जी मोहरे वगैरह बना करके उनको न थाने जाने की जरूरत है, न तहसील जाने की जरूरत है, न एसडीएम के पास जाने की, जो भी मोहरे जिस तरह की हैं वो बना करके लगा दिया करते थे। तो उस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ गए थे और उस दुकान से इन्होंने तमाम तरह की विभिन्न पदों की मोहरे बरामद की हैं और अन्य भी आवश्यक कागजात जो कि शासकीय रूप से उसके पास नहीं होना चाहिए था, जो कि लेकिन उसका भी वो दुरुपयोग कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इसकी कड़ी जोड़ने का भी प्रयास हो रहा है कि अन्य भी जनसेवा केंद्र जो अपने जनपद में आसपास चल रहे हैं, क्या इनका कोई इस तरह का गिरोह तो नहीं है जो इस तरह के कार्य को कर दे रहे हैं और उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। क्या पुलिस अब जो दूसरे जनसेवा केंद्र है उनकी भी इसी तरीके से तस्कीन करवाएगी? सभी हो रही थी, उसके आधार पर और भी सूचना केंद्र, जो भी जनसेवा केंद्र है वहाँ पर भी ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन आजकल के फास्ट कम्युनिकेशन के युग में बहुत चीज़ें सूचित हो जाती हैं पहले से ही, लेकिन वी विल कीप वॉच कि कोई इस तरह के दुरुपयोग ना हो किसी भी चीज़ का, उसका हम लोग निगरानी रखेंगे। अभियुक्त पर मामला पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया। रामकुमार राजपूत की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश आपका न्यूज़।